हेलो दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन यानी कि 74.37 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के मिनरल्स के भंडार हैं। 2010 में अमेरिकी सैन्य अधिकारी और जियोलॉजिकल सर्वे ने खुलासा किया था कि अफगानिस्तान के मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में लगभग $1 ट्रिलियन के मिनरल्स का भंडार है, जो कि देश की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को पूरी तरह से बदल सकता है। तालिबान के अफगानिस्तान के सत्ता में लौटने के साथ ही विशेषज्ञों को अफगानिस्तान के मिनरल्स की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। साइंटिस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है कि अफगानिस्तान के दुर्लभ मिनरल संसाधन पृथ्वी पर सबसे बड़े हैं और दुर्लभ मिनरल इस समय टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हीं दुर्लभ मिनरल की मदद से ही मोबाइल फोन, टीवी, हाइब्रिड इंजिन, कंप्यूटर, लेजर और रिचार्जेबल बैटरी तैयार की जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि अफगानिस्तान में लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मिल सकता है। लिथियम रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए दुर्लभ और आवश्यक वस्तु है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना पूर्ण करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी साबित हो सकता है आगे जाके। अब अफगानिस्तान में तालिबान के आने से ये हालात जल्द बदलने की संभावना नहीं है। सबसे बड़े मिनरल्स भंडार लोहे और तांबे के हैं। इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ये इतनी मात्रा में है कि अफगानिस्तान इन मिनरल्स में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। इसी मिनरल्स पर तालिबान से लेकर उनके समर्थक देश जैसे चाइना और पाकिस्तान की भी नज़र शामिल है। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।